प्रोफाइल में जाने के बाद आपने क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, कंटिन्यू करते जाना है सारे। चलिए आपने यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देना है। अभी चलिए सबसे पहले गिग बनाने से पहले हमने क्या करना होता है, गिग का टाइटल देना होता है। यहाँ पर हम बताते हैं कि आई विल डू योर डिजाइन, आई विल डू, आई विल क्रिएट योर प्लानर, आई विल क्रिएट योर लोगोज, आई विल डिजाइन योर लोगोज, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई सा भी टाइटल रख सकते हैं। जिस तरह जैसे अभी आपने देखा होगा आप जाते हैं शॉप्स पे तो शॉप्स के नेम रखे हुए होते हैं, ठीक है, और जो नेम्स वो हमेशा शॉप्स वाले ऐसे नेम्स रखते हैं जो उनके पास प्रोडक्ट होता है, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रखते हैं उसी के रिलेटेड ही नाम रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्च टैग लगाएंगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले अभी मैं टैग्स लगाने वाला हूँ। टैग्स मैं क्यों लगाने वाला हूँ, क्योंकि टैग लगाने के बाद टाइटल लिखा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले टाइटल लिख लेते हैं और बाद में टैग लगाते हैं, लेकिन मैं, मेरे समझाने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि पहले टैग लगा रहा हूँ और उसके बाद टाइटल लिखूंगा, ये अभी आपको समझ आ जाता है। लेट मैंने जो उस दिन टैग ढूंढे थे वही मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। प्लानर की गिग बनाने वाला हूँ। प्लानर तो मैंने कुछ सर्च किए थे, प्लानर एक ये वाला था, एक था डेली प्लानर, और एक था मंथली प्लानर, और इसके अलावा ईयरली प्लानर भी रख सकते हैं हम, कस्टम प्लानर। चलो ये रखने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, अभी इन टैग्स को जो मैंने यहाँ कीवर्ड्स के तौर पे लगा लिया है, अब मैं क्या करने लगा हूँ, उन्हीं को मैं टाइटल में यूज करने वाला हूँ। टाइटल में मैं यूज क्यों करूंगा, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा से इसके बारे में भी बता देता हूँ। चले आप लोग देख रहे होंगे ऊपर सर्च हुआ, ये देखिए, ये देखिए ऊपर सर्च बार, अभी जो आपको URL नजर आ रहा है ना वो कुछ डिफरेंट है। अभी ये वाला जो URL है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और अभी जब हम गिग क्रिएट कर लेंगे तो अभी थोड़ी देर बाद आपको जो अपनी गिग का URL नजर आएगा वो डिफरेंट होगा। तो URL में क्या होता है, कीवर्ड्स नजर आते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ आई विल क्रिएट, ठीक है, डेली प्लानर, वीकली प्लानर, ये मैंने लिखा है और मैंने बस स्टॉप कर दिया है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो नीचे मैंने टैग्स लगाए हैं ये देखिए वो तो 5 लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने तो जस्ट 3 लगाए हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये चीज थोड़ी समझने वाली है। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम 80 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 80 वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इस टाइटल में, और अभी तक जो मेरे वर्ड हुए वो हैं 59 वर्ड्स, 59 कैरेक्टर्स। तो अभी क्या है कि अगर मैं इससे ज्यादा करता हूँ, लेट मैं इसमें अगर पुट करता हूँ कस्टम प्लानर, ये देखिए नीचे रेड लाइन में लिखा हुआ आ गया है कि शॉर्टर टाइटल जो होता है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है बायर्स को, ठीक
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात है। अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें ना बस 5 आवर आ गया है, हम जाएंगे और हमारी की ग्रैंड कर जाएगी और ड्रामा स्टार्ट हो जाएंगे। असल में हम सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि हम जो टाइटल होता है ना उसको बहुत ज्यादा लेंथी बना देते हैं, उसमें 80 वर्ड्स लिखे होते हैं, हम 75 या कुछ वर्ड्स ऐसे लिख देते हैं और उस वजह से हमारी जो गिग्स होती हैं वो रैंक नहीं कर पाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे स्टेप नहीं लेना, हमें अपनी गिग्स को रैंक कराना है तो उसके लिए हमें शॉर्ट टाइटल रखना है। ये देखिए अभी यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट परफेक्ट, मतलब अब जो है ये परफेक्ट है, अब इसमें कोई मतलब चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी ये हमारा टाइटल भी हो गया और हमारे साथ से जो टैग्स थे वो भी हमने लगा लिए। अभी एक ही चीज यहाँ पे रहती है, वो क्या है, कैटेगरी। कैटेगरी अगर आप यहाँ से आओगे और ढूंढोगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, फिर उसकी सब कैटेगरी ढूंढना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि फाइवर वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उन्होंने आपके लिए सजेशन कैटेगरीज दे दी है। इसमें आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना, ये परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो फिर कह रहा है कि गिग मेटा डाटा, ठीक है, इसको ना आप फिल करो। तो अभी क्या है, मेन टाइप कौन सी होगी हमारी, स्टेशनरी, और इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सी होगी, ये सभी AI होती है, इलस्ट्रेटर की फाइल, JPG इमेज की होती है, PDF डॉक्यूमेंट की फाइल होती है, PNG भी इमेज होता है, एंड PSD ये होता है फोटोशॉप की फाइल। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। जब हमारा टाइटल भी हम फिल कर लें, कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लें और ये जो मेटा डाटा या कुछ भी यहाँ पर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आ जाए, उनको भी फिल कर लें और यहाँ पर सर्च टैग भी लगा लें। अभी क्या है कि यहाँ पर 5 से ज्यादा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 टैग्स मैक्सिमम यूज लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, यहाँ पर हम 5 टैग्स ही लगा सकते हैं। अगर मैं 6 लगाता हूँ तो मेरी गिग क्रिएट नहीं होगी। अभी ये सारी चीजें क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों को कोई भी मिस्टेक होगी तो सेव एंड कंटिन्यू नहीं होगा। और नेक्स्ट जो स्क्रीन है जिसका जिसमें हम प्राइसिंग सेट करते हैं वो आप लोगों के सामने शो नहीं होगी। अभी ये स्क्रीन ओपन हो रही है प्राइसिंग वाली। यहाँ पर हमने क्या, आप जाते हैं किसी भी शॉप पर तो वहां पर ना प्रोडक्ट्स आप लेने के लिए जाते हैं, तो आप कहते हैं लेट कर लो आपको क्लॉथ चाहिए, लेट कर लो आपको शूज चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि वहां पर अगर आपको एक प्रोडक्ट का कहते हो तो दुकानदार आपको क्या कहता है, शॉप वाला क्या कहता है कि आपको कितने वाला चाहिए, 200 वाला, 500 वाला या फिर 1000 वाला, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ऐसा होता है ना, उसमें क्या होता है कि उन्होंने अपनी प्राइस सेट करी होती है क्वालिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम भी क्वालिटी के हिसाब से अपनी प्राइस सेट करेंगे, हम 3 पैकेजेस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो प्लानर है जिसके लिए हम गिग बना रहे हैं वो, अगर किसी शख्स को 2 प्लानर जरूरत है, किसी को 5, किसी को 10, या फिर ये भी होता है किसी को 1 प्लानर जरूरत होता है तो उसे 1 पेज का चाहिए, किसी को 10 पेजेस का प्लानर चाहिए, किसी को 50 पेजेस का प्लानर चाहिए, तो इस हिसाब से भी हम रख सकते हैं पैकेजेस। चलिए यहाँ पर मैं आता हूँ, सेट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे ऊपर बेसिक लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख दो के 1 पेज प्लानर, 1 पेज प्लानर, इसी को आप कॉपी कर लो और सभी में पेस्ट करते जाओ। इसमें आप ऐड कर लो 1 की जगह 5 पेजेस और यहाँ 1 के आगे 0 लगाकर आप इसे 10 पेजेस यहाँ पर ऐसा भी आप इजाफा कर दो यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या है कि पहले जो हमारा पैकेज है उसमें हम 1 पेज प्लानर की ऑफर दे रहे हैं, जो मतलब सेकंड है स्टैंडर्ड उसमें हम 5 पेजेस प्लानर की ऑफर दे रहे हैं, और जो हमारे पास प्रीमियम है उसमें हम 10 पेजेस प्लानर बना के दे सकते हैं। अभी अगर हमें 1 पेज प्लानर बनाना पड़े इन कैनवा तो आई होप कि वो हम $5 में भी बना के दे सकते हैं। अगर 5 पेजेस का है तो 5
को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, वो बनता है 25। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे अपने बजट रखें, ताकि अभी आप स्टार्टिंग में है, अपना बजट लो रखें ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिल सके। जब इन फ्यूचर आप लोगों की लीग रैंक आ जाए तो तब आप प्राइस जो है वो बढ़ा सकते हैं और ज्यादा पैसा वहां से भी कमा सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि आइए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, इसमें ये ऐड करना होता है कि जैसे लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। ठीक है, अभी जो हम ऑफर कर रहे हैं वो है प्लानर, और हम प्लानर को ही यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। आप इसी को कॉपी कर लो, सभी में पेस्ट, यहाँ पर 1 की जगह 5 लिख लो, पेज क्या यहाँ पर एस का इजाफा कर लो, पेजेस कर लो, और यहाँ पर आप 24 आवर्स नहीं, आप यहाँ पे लिख दो 2 डेज। कॉपी करता हूँ कर लेता हूँ, यहाँ पर 5 की जगह मैं 10 का लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 3 डेज का लेता हूँ। ये मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो 1 पेज का होगा प्लानर वो हम एक ही दिन में डिजाइन करके क्रिएट करके दे देंगे, और जो 5 पेजेस का होगा वो 2 दिनों में क्रिएट करके दे देंगे, और जो 10 पेजेस का होगा वो हम 3 डेज में क्रिएट करके दे देंगे। अभी क्या है कि यहाँ पर डिलीवरी टाइम हमने सेट करना है। डिलीवरी टाइम के लिए हम यहाँ पर जैसे हमने कहा कि हम 24 आवर में देंगे तो हम 1 डे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने 2 डेज का कहा तो 2 डेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 3 डेज का कहा तो यहाँ पर आप लोगों ने 3 डेज सिलेक्ट करेंगे। रिविजन जो है रिविजन में आपने अनलिमिटेड रखना है, ठीक है, ताकि क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड हो जाए। रिविजन का क्या मतलब होता है इसके बारे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ कि रिविजन का मतलब है आपने एक प्लानर बनाया, अभी आपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, क्लाइंट को उसमें कुछ चेंजिंग चाहिए तो फिर क्लाइंट आपको दोबारा कहता है। अगर आप दोबारा उसमें चेंजिंग जो क्लाइंट को चाहिए वो करके देते हो तो वो एक हुई रिवीजन। ऐसे ही वो क्लाइंट चाहता है, जब भी एक क्लाइंट आता है, अगर आप भी अगर किसी को हायर करते हो तो आप यही कहते हो कि मेरा काम अच्छा हो जाए चाहे आपको 10 बार भी क्यों ना करना पड़े। तो इस तरह जो होता है जब हम अनलिमिटेड रिविजन दे रहे होते हैं तो इससे क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये जो सेलर है मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट करेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड रिविजन दे रहा है, मुझे टेंशन नहीं है, मेरा काम हो जाएगा अच्छे से। तो आपने हमेशा क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है, सबके अनलिमिटेड रिविजन रखने। उसके बाद डिजाइन कंसेप्ट, अभी डिजाइन कंसेप्ट क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि डिजाइन आपने एक प्लानर बनाया 1 पेज का, ठीक है, आप उसी का बैकग्राउंड या कलर चेंज करके दे देते हो, प्लानर की डिटेल वही है, जैसे आपने बैकग्राउंड चेंज किया उसके कलर चेंज किए तो वो दूसरा कंसेप्ट भी बन गया। इसी तरह से तीसरे अभी आपने कोई और डिजाइन बैकग्राउंड कलर रख लिया, उसके फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर दिए तो तीसरा कंसेप्ट भी बना दिया, मतलब डिटेल वही है प्लानर की, लेकिन अलग अलग से कलर्स आपने पुट किए, फॉन्ट्स पुट किए और अलग अलग से वो डिजाइन आपको दिख रहे हैं, तो वो कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह दो कि मैं आपको 2 कंसेप्ट देता हूँ, यहाँ पर आप कह दो यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर आप 1 कंसेप्ट की बात करो, क्योंकि अगर 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस क्या अगर आप 2 कंसेप्ट देते हो तो मतलब आपका डबल टाइम लगेगा वहाँ पर। ये सारा कुछ करने के बाद आगे है प्रिंट रेडी। अभी प्रिंट रेडी क्या होता है कि जैसे आपने कोई फाइल कोई प्लानर डिजाइन किया और वही फाइल आपने प्रिंट होने के लिए दे दी तो वो रेडी है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करने की जरूरत। और अगर कुछ ऐसा होता है कि उसमें चेंजिंग करने की जरूरत होती है तो वो प्रिंट रेडी नहीं होती, तो ये तो कन्फर्म है कि हाँ हम क्लाइंट्स को जो है प्रिंट रेडी ही फाइल देंगे, आपने इन सब पे क्लिक कर देंगे। सोर्स फाइल, अभी सोर्स फाइल क्या होती है कि अगर आपने कभी फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में काम किया है तो फोटोशॉप की जो फाइल होती है ना वो होती है PSG, और इलस्ट्रेटर की जो फाइल होती है वो होती है AI, ठीक है। तो
अभी अगर आप PSD और AI फाइल किसी क्लाइंट को सेंड करते हो तो वो उसकी सोर्स फाइल है, जिसमें क्लाइंट उस फाइल को ओपन कर सकता है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में और उसमें चेंजिंग कर सकता है, तो वो सोर्स फाइल है। तो सोर्स फाइल आपने सभी की देनी होती है क्लाइंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी एक चीज है डबल साइडेड, आपने देखा होगा कि मतलब बिजनेस कार्ड आप डिजाइन करते हो, या बहुत सारे बिजनेस कार्ड आपने देखे होंगे, कुछ बिजनेस कार्ड होते हैं जो वन साइडेड होते हैं, कुछ होते हैं टू साइडेड। ऐसे प्लानर भी आपने देखे होंगे, कुछ होते हैं वन साइडेड, कुछ होते हैं टू साइडेड। तो ये पूछ रहे हैं क्या आप टू साइडेड डिजाइन करके दोगे? हाँ, कोई मसला नहीं, आप करके दे दो, ठीक है। आगे ईमेल सिग्नेचर, ईमेल सिग्नेचर क्या होता है? कभी आप लोगों ने ये देखा है कि आप लोगों को प्रमोशनल ईमेल्स आ रहे होते हैं, तो आपको किसी भी प्रमोशनल ईमेल को उस पर क्लिक करें और उसके बॉटम में जाएं तो वहां पर क्लिकेबल लिंक्स होते हैं उनके सोशल मीडिया के, जैसे उनके यूट्यूब, उनके लिंक्डइन, उनके फेसबुक, उनके इंस्टाग्राम के क्लिकेबल लिंक्स होते हैं, उनके ऊपर लोगो या पिक्चर लगा होता है बॉटम पे, तो उसे कहते हैं ईमेल सिग्नेचर। तो यहाँ पर फर्स्ट को आप छोड़ के इन पर कह दें कि हम ईमेल सिग्नेचर आपको देंगे। अगर इसमें आप ईमेल सिग्नेचर की बात करते हैं तो एक ईमेल सिग्नेचर करने के मैं तो $25 से $30 या $50 तो ले ही लेता हूँ। तो आपने फर्स्ट पैकेज में ये चीज प्रोवाइड नहीं करनी। आगे है शिपिंग, तो शिपिंग तो आपने क्लाइंट को डिलीवर करना है इंटरनेट पे, उसके लिए शिपिंग की कौन सी चार्जेस है तो ये करना है। फिर अब इसकी प्राइस जो है, यहाँ पर आपने $5 रख लेनी है, इसकी $10 नहीं, इसकी $20 रख लें और इसकी आप $50 रख लें। एक पेज था तो उसकी मैंने प्राइस $5 रखी, 5 पेजेस थे तो उसकी मैंने 20 रखी, अभी 10 पेजेस थे तो उसकी प्राइस मैंने 50 रखी। ये रखने के बाद अभी आप लोगों को एक और चीज समझाता जाऊँ। अभी आपने देखा कि ऊपर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जो हमने डिलीवरी का टाइम ऊपर सेट किया है, क्या उससे ज्यादा जल्दी हम काम करके क्लाइंट को दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो हम क्लाइंट से कितना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे? तो बेसिक तो ऑलरेडी 1 डे का है, तो उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, 1 डे सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2 डे आपने कहा रखा था, और यहाँ पर आप कह दो $10 हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। प्रीमियम में आपने 3 डेज का कहा तो यहाँ पर 2 डेज कर लें, और यहाँ पर आप लोग $20 एक्स्ट्रा कर लें। अभी रिविजन ऑलरेडी आप अनलिमिटेड दे रहे हैं तो इसको आप खत्म करें। आगे एडिशनल डिजाइन कंसेप्ट, अगर एक और बात भी बताता जो हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों को रिविजन जो है वो कम देनी पड़े, तो एडिशनल रिविजन पे इसका ये मतलब होता है एक बार दोबारा आप चेंजिंग करके दोगे तो उसके लिए कितने लोगे। आपने यहाँ पर क्या करना है, बजट सिलेक्ट कर लेना है, मतलब आप $10 लोगे, $5 लोगे, जितने भी, और यहाँ पर एक दिन में करके दोगे। लेकिन अभी क्योंकि हम अनलिमिटेड रिविजन दे रहे हैं तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। और आगे और इसका है एडिशनल डिजाइन कंसेप्ट, जैसे मैंने डिजाइन कंसेप्ट के बारे में बताया है कि डिजाइन कंसेप्ट क्या होता है, कि वो अलग सा उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके दे दें कुछ भी, तो वो डिजाइन कंसेप्ट होता है। अगर हम डिजाइन कंसेप्ट देते हैं तो उसके हम $10 अलग से चार्ज करेंगे। स्टॉक इमेज अगर हम यूज करते हैं तो उसकी फेवर ने खुद रखा हुआ है कि $10 वो क्लाइंट हमें पे करेगा, और अगर ईमेल सिग्नेचर है तो यहाँ पर $15 में ईमेल सिग्नेचर के लिख रहा हूँ ताकि वो हमें पे करेगा। आगे ये सारी चीजें जब आपकी सेट हो जाए, अच्छे से आपने फिल करनी है, कोई एक भी आपने ऑप्शन जो है वो खाली नहीं छोड़ना, अगर आप छोड़ोगे तो ये सेव एंड कंटिन्यू नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे ऑप्शन को फिल करना है एंड फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन। अभी हम भी किस चीज की सर्विस दे रहे हैं, प्लानर डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं। अभी हम प्लानर डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि एक प्लानर हम कैसे डिजाइन करके देंगे, उसमें कौन कौन सी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, सोर्स फाइल प्रोवाइड करेंगे, अच्छा क्या हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करेंगे, और कितने टाइप्स के हम प्लानर डिजाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी आप लोगों ने खुद डिजाइन मतलब खुद राइट करनी है डिस्क्रिप्शन। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन, बाकी चीज में क्या सकते हैं, मैं एक तरह का अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्लानर की बात ही कर लेता हूँ,
पर मैं बैनर साइज करता हूँ। और इसी जो शार्क स्पेल गया है मैं इसी पे क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये होता है गिग का टाइटल जो आपने हमने लिख लिया। उसके बाद ये होती है कैटेगरी जो आप लोगों ने को तो मैंने कहा है कि आप लोगों ने ऐड करनी है। ये होता है गिग का इमेज जो आप लोगों ने बनाया है, जिसका मैंने कहा था कि 5-5 इमेजेस आपने बनानी है। ये होती है डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों ने ऐड करनी होती है अपनी गिग में। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर स्टॉप हो रही है, क्लियर। और यहाँ पर वो फाइल की टाइप्स होती हैं जो उन्होंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी है। ये होती है सेलर की जो डिटेल होती है, वो उसका नेम क्या है, कॉन्टैक्ट उससे कैसे कर सकते हैं, उसका लेवल क्या है, उसकी पिक्चर कौन सी है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कब से उसने स्टार्ट किया, कितने डेज पहले उसने डिलीवरी लास्ट दी है, और उसका रिस्पांस टाइम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके पैकेजेस की डिटेल यहाँ पर पड़ी होती है, उसकी मजीद जो वो सर्विस प्रोवाइड कर उसकी डिटेल यहाँ पर पड़ी होती है, और ये सारे उसके रिव्यूज होते हैं, और ये होते हैं टैग्स जो वो उसने लगा रखी है, क्लियर। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी डिस्क्रिप्शन हमने ऐड करनी है, तो डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने खुद लिखनी है और देखना है कि लोगों ने कैसे कैसे लिख रखी है। मैं यहाँ पर जस्ट क्या कर रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्शन मेरे पास कॉपी है, मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों ने ग्रामर लिखो ऐड कर लेना, और जितने भी इंग्लिश मिस्टेक्स हों, ग्रामर मिस्टेक्स हों, वो सारी अपने क्रैक कर लेंगे। अभी क्या है कि मैं तो इसको कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप लोगों ने क्या करना है, आपने खुद ये सारी चीज़ें लिखनी है कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे। ये सारी डिस्क्रिप्शन 1200 वर्ड्स की आप लिख सकते हो, ये है 1100 वर्ड्स की है, और मैं क्या करने वाला हूँ इसको लिखने के बाद मैं करने वाला हूँ सेव एंड कॉपी। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों के पास एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स। जब आपको क्लाइंट एक हायर करता है तो उसके बाद एक सेक्शन ओपन होता है जिसका नाम होता है रिक्वायरमेंट्स। आप लोगों ने ऐड न्यू पर्सन पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है थैंक यू सो मच फॉर ये लिखकर भी मैं आप लोगों को ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा, ताकि आप टेंशन ना लीजिएगा। चलिए जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो आपने करेक्ट करनी है, ऐड पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर इसको कट कर लेना है। आगे गैलरी है, गैलरी में जो आप लोगों ने इमेजेस बना रखे हैं उनको अपलोड करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करके इमेजेस को अपलोड करने लगा हूँ। यहाँ पर मेरे पास इमेजेस पड़े हैं जो अभी ये प्लानर वाला, इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर बाकी भी आप ऐसे अपलोड कर सकते हो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का इसी क्लास में ये बन जाए। ये ऐड करने के बाद अगर आपके पास कोई वीडियो है तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट वीडियो फॉर्म है वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, और फिर यहाँ पर आपने एग्री कर लेना है एंड फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक फॉर्म ओपन होगा, जो कि मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट है वो ओल्ड है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि क्या आप यूएसए से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पर नो पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, नो पे क्लिक करना है, और फिर आप लोगों ने डन कर देना है। डन करेंगे और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना है पब्लिश गिग। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों की गिग हो जाएगी पब्लिश, जैसे मेरी जो गिग है वो पब्लिश हो चुकी है, और फिर यहाँ पर डन पे क्लिक करके आप लोगों ने अपनी गिग को पब्लिश कर लेना है।
अभी ये देखें, जैसे आप लोगों की गिग्स पब्लिश हो जाएगी तो फिर गिग्स में आकर यहाँ पर आकर वो एक्टिव में आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को शो होने लग जाएगी। ये देख सकते हैं कि जो अभी मैंने गिग बनाई है, क्रिएट और डेली प्लानर, वीकली प्लानर एंड मंथली प्लानर, वो गिग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये उसका इमेज है, अगर आपको शो करानी है तो आप यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं जो अभी मैंने गिग बनाई है। ये देखिए, ये वाली अभी मैंने गिग बनाई है आप लोगों के सामने, ये वाली इमेजेस जो मैंने ऐड की है ये देख सकते हैं, ये सारी गिग है जो अभी मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट की है। और आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अभी मीटिंग एंड होने वाली, जितनी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप ग्रुप में पूछें और मैं आप लोगों को वहां पर सारे के सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और मीटिंग एंड होने वाली है, मैंने ट्राई की है कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं हो तो आप लोग मुझसे पूछिए, ग्रुप में पूछिए, मैं और पर्सनल में मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो आप लोगों के लिए बेटर ये है कि आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसी में ही सारे क्वेश्चंस करें और वहां पर मैं आप लोगों के आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। कैनवा में सोर्स फाइल क्या होती है? तो जेपीजी, पीएनजी जो आप डाउनलोड